अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आज बात करते हैं गोल्ड के हवाले से कि गोल्ड नेक्स्ट क्या कर सकता है। जैसे कि कल की बात करें तो कल आपको मैंने कहा था कि अगर किसी का बड़ा अकाउंट है तो 2000 से सेल करके छोड़ दे, ऐसा लगा के देखिए। गोल्ड ने कल अच्छा डिप मारा है, तकरीबन अगर देखा जाए तो $27 का कल डिप लगा था। $27 मतलब अगर किसी ने मेरे कहने पे सेल किया तो उसने $27 कल प्रॉफिट किया, ठीक है। मगर वही बात है कि हर चीज़ अपने हिसाब से ही अच्छी लगती है, ज़बरदस्ती किसी को कुछ नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट गोल्ड की प्रेडिक्शन अगर बात करूं मैं H4 में जाके, तो H4 में तो आपको मेरे अंदर से कल जो मैंने आपको क्लियर चीज़ समझाई, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी, कल मैंने आपको क्लियर कहा। मगर मार्केट आपको मैं क्लियर बात कहूँगा कि मार्केट एक बार आपको अगर बाय देगी तो बाय नहीं कीजिएगा, बाय ब्रेक देगी, ब्रेकआउट देगी तो बाय नहीं कीजिएगा। जब तक 2050 की मार्केट नीचे नीचे है, अपने सेल फाइंड करने की ज़्यादा चांसेस है, अपने सेल ज़्यादा ज़्यादा फाइंड करनी है। जब तक 2050 से नीचे नीचे मार्केट है, अगर आप इस बारे में नहीं जानते कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि मेरी कल की वीडियो थी वो वॉच कर लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं उस बेस पर नहीं जाता कि किस बेस पर मैंने आपको ये कहा है कि आप सेल ही वॉच करें। अगर किसी को इस बारे में नहीं पता तो कल की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, थर्सडे की, वो वॉच कर ले, उसमें पूरी डिटेल कल मैंने बात ही उस बेस पे की है कि क्यों मार्केट में सेल फाइंड करने का रीज़न है, ठीक है। बाकी आज के वाले से बात करूं तो मार्केट में चांसेस 90%, आज फ्राइडे भी है, 90% चांस आज मार्केट का डाउनसाइड ब्रेकआउट है, ठीक है। और मार्केट के पास एक अनटेस्टेड जोन पड़ा है, इससे ओ सॉरी किधर गई लाइन यार, ये क्या आ रहा है, लाइन नहीं आ रही। ये अनटेस्टेड जोन पड़ा है, इस जोन से रिजेक्शन के चांसेस हैं, मगर उस तरह की रिजेक्शन माइंड में ना लीजिएगा कि मैं भी आप सोच रहा हूँ कि बड़ी रिजेक्शन, मैं बड़ी रिजेक्शन की बात नहीं करूँगा, छोटी रिजेक्शन की बात करूँगा कि आपको $20 का बैकअप मिल सकता है, बैक मूव मिल सकता है, रिवर्स मिल सकता है, इससे ज़्यादा का मैं आपको नहीं कहूँगा। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी ना कीजिएगा, आज हवा चल रही है, मे भी वीडियो में हवा का भी शोर हो, ठीक है। तो आपने जो बाइंग करनी है 1960-61 से बाय करना है, अगर आज आपको मिलता है तो, वरना आप इस चीज़ को इग्नोर अगर करते हो और इसके मिड में से बाय करते हो, ठीक है, 1956 से आप बाय कर लें, ठीक है। अब मैं आपको जो भी जोन दिया करूँगा आज के बाद, जो भी जोन दूंगा उसके हमेशा उसको डिवाइड करके 50% लेवल से आपको ट्रेड दूंगा, ठीक है। जो हाई रिस्क की ट्रेड लेते हैं, हाई रिस्क की से मुराद जिनका अकाउंट $1000, $400, $500, जिनका अकाउंट है, वो पहले जोन से ट्रेड लेंगे। मैं दो जोन बताऊंगा, 1961-1956, अब दो जोन है। जिनका $200 तक अकाउंट है वो 1956 से बाय करेंगे और 1946 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1946 का स्टॉप लॉस, 1946 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस कितने का है, 1946 का, 46 का स्टॉप लॉस है, आज के दिन के लिए ये ट्रेड है और चांसेस हैं कि आज एक्टिव हो जाए, 1946 का स्टॉप लॉस है। 1956 से बाय करेंगे वो लोग जिनका अकाउंट $200 या इससे छोटा है, और जिनका बड़ा अकाउंट है वो 1961 से बाय करेंगे और उनका स्टॉप लॉस भी 1946 ही रहेगा, ठीक है। अब अगर टारगेट की बात करूं तो टारगेट जो है किधर गया,
टारगेट जो होगा वो कम से कम जो टारगेट रहेगा ठीक है दोनों के लिए, ठीक है मे बी एक को प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है एक को कम आ सकता है, मगर दोनों के लिए जो टारगेट रहेगा 1970 का पहला रहेगा, दोनों के लिए टारगेट 1970 का पहला है। अब जिनका छोटा अकाउंट है उनके लिए ये $14 का टारगेट है, और जिनके थोड़ा बड़ा अकाउंट है उनके लिए $9 का टारगेट है। बेशक बड़े अकाउंट वाले दो ट्रेड ले सकते हैं, मगर वो अपने रिस्क मनी मैनेजमेंट को देखते हुए कोशिश करें कि वो अपना रिस्क 2-3% से ज़्यादा ना रखें कम से कम। यार मैं आपको एक मनी मैनेजमेंट के हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आपके, मेरे पिछले वीक में वीडियो जो बनी है उनमें एक वीडियो पड़ी है रिस्क मनी मैनेजमेंट के हवाले से। मैं इतना बेस्ट तीन फार्मूला बताया कि 10 में से 3 ट्रेड भी आपकी विन करें तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हो, ठीक है। तो अपना रिस्क मनी मैनेजमेंट को देखते हुए काम कीजिएगा, ओवर रिस्क ट्रेडिंग ना कीजिएगा ताकि आपको प्रॉफिट में रह सको। बेशक मेरी 10 में से 7 वीडियो लॉस कर जाएं मगर आप प्रॉफिट में रह सको, मगर चांसेस यही होते हैं कि मेरा साल बहुत कम होता है। जैसे कि इन प्रीवियस वीडियोस में देखूं, इस मंथ में देखूं तो मेरे अंदाज से ये मेरा पहला एसएल हुआ था 2-3 दिन पहले या सेकंड होगा, वरना आप पूरे मंथ की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है वो आपको क्लियर कट बताएगी क्योंकि छुपा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपलोडेड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और नेक्स्ट टारगेट आप 1900 कर सकते हैं 1984 तक जो करंट प्राइस चल रही है। सेकंड टीपी आप 1984 तक रख सकते हैं, 1984 तक आप सेकंड टारगेट रख सकते हैं। करंट आपको पता ही है हमारी ट्रेड जिन लोगों ने सेल किया कल, ठीक है उनको ऑलरेडी मैंने एक सेल कहा था कि वो अगर सेल करते भी हैं तो वो उनके टारगेट बड़े से बड़ा रखने की कोशिश करें। तो बाइंग जो है ये रिस्की है, मगर ये है कि ये रिवर्सल बाइंग है और 90% चांस है कि मार्केट ज़्यादा नहीं तो $10 बैकअप देगी, $20 देगी लाजमी, ठीक है। अगर ना दी बहुत कम चांस है, मतलब 10% चांस या 5% चांस है कि ये लेवल ब्रेक हो, अदरवाइज चांसेस हैं रिजेक्शन ज़रूर आएगी, $10 से $15 या $20 की रिजेक्शन ज़रूर आएगी, उसके बाद में भी मार्केट डाउन चल जाए। अगर ब्रेकआउट दे तो और अच्छी बात है, फिर तो डाउन ही डाउन है, फिर तो भाई वो एक और सेल फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे आपको पता है मैं सेलर ही हूँ, बायर नहीं हूँ, मेरा स्ट्रक्चर सेल का ही है। अच्छा सेल सेटअप की बात करूं, ये तो मैंने एक पहला सेटअप दिया है, अगर मैं सेल सेटअप की बात करूं, ठीक है। अच्छा आप इसको ज़रा और से वॉच करो ना, तो ये एक ना फॉलिंग वेज ही बन रहा है, आपको पता है प्राइस एक्शन पे काम नहीं करता, नाम सारी आते हैं, ये फॉलिंग वेज बन रहा है जो कि मार्केट डाउन साइड ब्रेक कर देती है, फॉलिंग सी समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल आज कोई ऐसा डेटा आ जाए, मुझे नहीं पता आज कोई न्यूज़ है या नहीं, वल्ला आलम मैंने देखी नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता, फॉर एग्ज़ाम्पल को ऐसा डेटा आ जाता है जो कि इस मार्केट को अप पुश करवाता है, पुश अप करवा देता है, ठीक है। तो पुश अप पे ना आप कोशिश करें कि आपके पास जो बाय साइड पे, अगर मैं आपको लेवल मेरे अंदाज से मैंने कल भी फाइंड किए थे, आज न्यू लेवल बनेंगे, मैं डेली सिचुएशन पे लेवल चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको अपसाइड पे लेवल मिला ना, अपसाइड पे मार्केट मिल जाती है, ठीक है हवा बहुत तेज़ है, मे बी बहुत शोर हो, ठीक है। अगर अपसाइड पे लेवल मिल जाता है, ये ज़रा इधर करके अब इसका पेंसिल, 2018 से लेकर 2023 तक जितना लेवल है ये आपका सेल लेवल है, आपका स्टॉप लॉस 2028 होना चाहिए, ठीक है। और टारगेट आपका वही 1960 रहेगा, इस पर बहुत बड़ा टारगेट है भाइयों, बहुत बड़ा टारगेट है। मे बी ये फेक आउट हो ऊपर की तरफ और मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक करना ज़रूरी हो, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ अगर फेक आउट होगा तो लाजमी बात है वो इस लेवल पर आएगी, 1984 वाले लेवल पर तो पक्का आएगी। अगर उसका ऊपर को फेक आउट हुआ तो 1984 पे पक्का आएगी। वैसे ये फॉलिंग वेज है, इसका ब्रेकआउट नीचे ही होता है, बहुत कम चांस होते हैं ऊपर होता है, मगर आपको पता है फंडामेंटल कैसा कमीना पाना है मार्केट के अंदर कि ये कभी भी कहीं से करा के फिर वापस अपनी जगह। अभी कल की बात करूं, ठीक है, जीडीपी डेटा जो था उसमें
वो अच्छा नहीं था, ठीक है, डॉलर उसके हवाले से अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग वीक था, मगर मार्केट ने क्या किया, आपके सामने था सारा कुछ, ठीक है। मैं तो शुक्र है टेक्निकल चला और टेक्निकल में मुझे कल अच्छा प्रॉफिट होगा, मगर आपको भी टेक्निकली कल बताया था, मैंने कोई फंडामेंटल की बात नहीं की, मैंने टेक्निकली एनालिसिस किया, टेक्निकली आपको सेलिंग दी, टेक्निकली सब कुछ किया। देखिए फंडामेंटल से एक अपनी वैल्यू रखते हैं, मगर अगर फंडामेंटल्स आपके ख़िलाफ़ है तो आप उनके ख़िलाफ़ हो जाओ, ठीक है, लॉस देगी, एसेलेट कर जाएगी, एसएल मूव ना करो, अपनी जगह ऐसा रखो, एसएल मूव ना करो। अगर आप दोनों साइड पे, क्योंकि हमेशा क्या कहते हैं कि दो रुख में कश्ती अगर जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, एक रुख बेहतर होता है, ठीक है। दो सीढ़ियों पे पाँव क्यों कहते हैं, नहीं रखो दोनों पाँव एक साथ, तो इसलिए कहते हैं कि गिरने का अपना ही ख़तरा होता है। अगर यहाँ पे आप मुझे वॉच करो, दूसरी जगह पे जाके आप वहाँ वॉच करते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी और चैनल को, वो कह रहा होगा फंडामेंटल्स के हवाले से या टेक्निकल्स के हवाले से कि नहीं जी मुझे बाइंग लग रहा है, नहीं जी मुझे बाइंग लग रहा है, आज मुझे वॉच करोगे कल उससे वॉच करोगे, आज मुझसे लॉस उठाओगे कल उससे लॉस उठाओगे, आप तो क्या रहे हुआ ओवरऑल लॉस में। एक बंदे को वॉच करो, एक बंदे को फॉलो करो, ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 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 आपको प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। मैं सीधे साधा सा बंदा हूँ और सीधे साधी सारी बातें आपके सामने करता हूँ प्रॉपर एनालिसिस के साथ, ना कोई ऐसे ही बैठा हो और मैं कोई चार्ट नहीं है बस एक बैठा बातें कर रहा हूँ, नहीं मैं चार्ट पे बात करता हूँ, एनालाइज करके बात करता हूँ, ठीक है, हर चीज़ आपके सामने रख के बात करता हूँ, आपके सामने हर रीज़न। आप जैसे फॉलिंग वेज की बात की है, आपको पता चला है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, एक वेज बना रही है, मतलब ऊपर से नीचे आके अगर वेज बनाती है तो उसके ब्रेकआउट डाउन साइड पर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको आप कुछ लोग इसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं, कुछ लोग इसको फॉलिंग वेज कहते हैं, मगर मैं इसको फ्लैग भी कहूँगा और फॉलिंग वेज भी कहूँगा। फ्लैग इसलिए कह रहा हूँ कि आगे से इसका मुंह तंग है, इसलिए इसको मैं वेज कह रहा हूँ। आपको पता ही है फ्लैग की शेप कैसी होती है, वो रेक्टेंगल टाइप होती है, मगर थोड़ी बहुत बेढंगी भी रेक्टेंगल हो सकती है, मगर इतनी ट्रायंगल की तरह हो तो उसको मैं वेज का ही नाम दे सकता हूँ, फ्लैग का नाम नहीं दे सकता, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी बात, और मैंने आपको जो बात कही है कि सेल के लिए जोन जो है वो भी आपको बता दिया, और फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे भी तो उसको एक फेक आउट के तौर पे माइंड में रखिएगा, क्योंकि वो रियल ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि मार्केट का रियल ब्रेकआउट 2050 के बाद बाद है, उससे पहले सब कुछ फेक आउट है। मैंने एक क्लियर कट बात कही गई है, बेशक नीचे ट्रेडर जो जितने में आएंगे कमेंट करने या व्यूज़ आएंगे वो बेशक मेरे ख़िलाफ़ बोले, मगर 2050 जब तक नहीं टूटता सब कुछ फेक आउट है, ओवरऑल मार्केट सेल है, अगर कोई बाय देता भी है तो वो अपनी बेस पे देता है, वो अपने हिसाब से दे रहा है, मगर मेरा हिसाब सिर्फ और सिर्फ सेल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप 1960 और 1950 मे बी एक मंथ में या डेढ़ मंथ में वॉच करोगे। हत्या के एक लड़का था जिसने अमित भाई, वो इंडियन है, तकरीबन 1.5 साल से मेरे साथ पेड ग्रुप में है, उसने मुझसे पूछा कि मार्केट क्या करेगी, आज से कोई महीना पहले की बात। मैंने कहा उम्मीद है अप्रैल के एंड तक मार्केट ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, और मैंने उसे कहा था 1960 या 1900 ये लेवल मुझे अप्रैल के एंड तक नज़र आ रहे हैं। आज देख लें डेट, और अभी भी 3-4 दिन रहते हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो 1983-84 तो आ चुकी है, इंशाल्लाह उम्मीद है 1960 लगा देगी, ठीक है, अनकरीब। बाकी नेक्स्ट वीक देखेंगे क्या कुछ होगा, वीकली एनालिसिस वीकली क्लोजिंग करूँ, होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह वीकली एनालिसिस क्रिएट करूँगा और बताऊँगा क्या हो सकता है नेक्स्ट। इंशाल्लाह जुमे का टाइम हो गया, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।